आरोग्य सितारे में चर्चा करेंगे आज के शेयर बाजार, कमोडिटी बाजार और आज के राशिफल की। जानेंगे कि ज्योतिष के मुताबिक कमोडिटी बाजार और शेयर बाजार कैसा रह सकता है, लेकिन उससे पहले शुरुआत करेंगे आज के राशिफल से। और आज का राशिफल जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं बाजार के जाने माने एशो मनी गुरु कर्नल अजय जी। कर्नल अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मार्केट एमसीबी पर। दर्शक बंधुओं, मैं कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप, फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल के आपसे मुखातिब होता हूँ। ये शो मार्केट टाइम्स टीवी और अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप के संयुक्त प्रयासों तक आप तक पहुंचाया जा रहा है। आज 12 मई 2022। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हर रोज की तरह सबसे पहले राशिफल। भारतीय ज्योतिष में 12 राशियों को 4 तत्वों में डिवाइड किया गया है, अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल। अग्नि तत्व की है 3 राशियां, 1, 5, 9 यानी मेष, सिंह और धनु राशि। आपके लिए दिन आज अच्छा रह सकता है, लाभ कमाने की स्थिति में रह सकते हैं। 12 से 1 बजे के बीच में रखिए अतिरिक्त सावधानी। 2, 6, 10 ये है पृथ्वी तत्व की राशियां। जी हाँ, वृषभ, कन्या और मकर राशि दिन मिश्रित रूप की तरफ इशारा कर रहा है। 1 से 2 बजे के बीच में आपको अतिरिक्त सावधानी रखनी चाहिए। 3, 7, 11 यानी मिथुन, तुला और कुंभ राशि है वायु तत्व की राशियां। आज आपका दिन संभवतः मुफीद ना रहे। 2 से 3 बजे के बीच में रखिए अतिरिक्त सावधानी। 4, 8, 12 जी हाँ ये है जल तत्व की राशियां यानी कर्क, वृश्चिक और मीन राशि निश्चित रूप की तरफ इशारा कर रही है। 1 कदम आगे 1 कदम पीछे आप सावधानी पूर्वक ट्रेड करें तो बेहतर है। और 3 से 4 बजे के बीच आपके लिए शायद ये शुभ ना रहे, अतः अतिरिक्त सावधानी रखनी अपेक्षित है। जी अखिल जी। जी कर्नल जी, ये सर कर्नल जी, रुख करें अगर कमोडिटी बाजार की तरफ और कृषि फसलों की ओर, तो आज हम वायदा बाजार में देख रहे हैं कि NCDX पर कैसे सीड में बढ़त बनती हुई नजर आई है। काफी दिनों के बाद, काफी लंबे समय के बाद कैसे सीड 7300-7400 के लेवल्स पर ट्रेड करता नजर आ रहा है। तो ज्योतिष के हिसाब से अब जो कैसर का वायदा है और कैस्टर का फ्यूचर कैसा रहेगा? देखिए, आपको याद होगा कम से कम 5 या 6 दिन पहले हमने कैस्टर के ऊपर चर्चा की थी और यही कहा था कि कैस्टर का जो इस बार है पोजीशन टाइट है, फंडामेंटल इसके मजबूत है, लेकिन NCDX पे वही कमा सकता है जो धैर्य पूर्वक अपनी पोजीशन को होल्ड करता है और अपने क्षमता अनुसार काम कर सकता है। कैस्टर के अंदर कोई बहुत बड़ी गिरावट की संभावना नहीं है। तो इस बात पर मैं अभी भी कायम हूँ कि कैस्टर सीट के अंदर आज मजबूती की संभावनाएं बन सकती है। उतार चढ़ाव जरूर रह सकता है बाजारों के अंदर, क्योंकि इन्फ्लेशन के नंबर आज डिक्लेयर होने वाले हैं और भारतीय रुपया भी बहुत तेजी से गिरावट की तरफ अग्रसर हुआ है। इसका असर सभी एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट होने वाली कमोडिटीज के ऊपर पड़ता है। गौरतलब है कि एग्रो कमोडिटीज के अंदर, विशेषकर वो एक कमोडिटी जिसके अंदर रुपी के फ्लक्चुएशन से इंपैक्ट पड़ता है, उसमें इसमें लगभग सभी एग्रो कमोडिटीज शामिल हैं, चाहे हम इंपोर्ट करें या एक्सपोर्ट करें। जो खासकर जो ऑयल सीड्स हैं उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहता है। तो कैस्टर सीड में मुझे कोई बड़ी कमजोरी की संभावना नजर नहीं आती है, इसके अंदर तेजी बनी रहने की संभावनाएं बन सकती है। जी अखिल जी। जी कर्नल जी, ये सर कर्नल जी, मसालों की बात करें तो मसालों में ज्योतिष के हिसाब से क्या अपडेट है? हल्दी, धनिया, जीरा, किस मसाले में अभी क्या हलचल रह सकती है ज्योतिष के हिसाब से? देखिए, यहाँ तक एक्स्ट्रा टेक्निकल का सवाल है। हल्दी के ऊपर हम अपना नजर अपना जो रुख है वो सकारात्मक रुख रखते हैं और उसके पीछे कुछ फंडामेंटल रीजंस भी हैं। वो फंडामेंटल रीजंस इस तरह के हैं कि यदि नॉर्मल हम देखें कि लगभग 1 लाख बोरी का उत्पादन लगभग हर साल अमूनन हल्दी में देखा जाता है। और हल्दी के अंदर एक और महत्वपूर्ण बात है कि पिछले 4-5 साल से हल्दी के अंदर कोई बहुत अच्छी बड़ी तेजी ना किसानों को मिली है ना व्यापारियों को मिली है। तो ये व्यापारी और किसान हल्दी के अंदर कोई अच्छा मुनाफा नहीं मिलने की वजह से थोड़े थक से गए हैं। तो यही वजह रही कि इस बार किसानों ने हल्दी के बजाय सोयाबीन और मक्का को तरजीह दी और उसका बिजाई ज्यादा हुई और हल्दी की बिजाई थोड़ी कम हुई। और हल्दी के ऊपर एक और महत्वपूर्ण सूचना निकल के आ रही है कि जो दिसंबर जनवरी की तेज के जो मौसम प्रतिकूल रहा उससे भी हल्दी की क्वालिटी के अंदर थोड़ा फर्क आया और उसमें उत्पादन का उतारा भी कम बैठा, साथ साथ उसकी क्वालिटी यानी जो हल्दी की जो फिंगर्स हैं यानी गांठे हैं वो साइज में भी छोटी हुई, तो इससे भी हल्दी का फर्क पड़ा। और जो उत्पादन है वो लगभग 65 से 70 लाख बोरी का उत्पादन की उम्मीद जताई जा रही है, जबकि जो हर साल जो 1 लाख बोरी होती थी उसमें करीबन 25 से 30% का उत्पादन भी कम है। और जो भारत की जो हल्दी की जो खपत है यानी कंजम्पशन है
और जो एक्सपोर्ट होता है उसके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट करीबन 1.20 यानी करीबन 1,20,00,000 बोरी की ये रिक्वायरमेंट होती है। तो कुल मिला के यही का हम नजर आए क्योंकि उत्पादन कम है, रिक्वायरमेंट ज्यादा है और खासकर जो पेंडेमिक रही कोविड के अंदर उसके अंदर भी हल्दी का जो उपयोग अधिक माना गया क्योंकि भारतीय जो आयुर्वेद पद्धति है या भारतीय लोग जो है वो हल्दी को एक अच्छा एंटीबैक्टीरियल मानते हैं और वो उससे बीमारियों को रोकथाम करने में मदद मिलती है, ऐसा भारतीयों का मानना है और ऐसा होता भी है। इसी वजह से हल्दी का की जो प्रयोग है वो भी नॉर्मल सालों के बनस्पत अधिक होने का रहा, लेकिन ये इन सब के बावजूद भी ये हमेशा कहा जाता है कि कोई भी कमोडिटी हो वो डिमांड एंड सप्लाई का खेल है, डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है तो कमोडिटी के रेट बढ़ते हैं, लेकिन अक्सर ये ऐसा होता हुआ देखा नहीं गया। अभी हम पिछले साल कुछ उदाहरण देखें कि पिछले साल प्याज का उत्पादन बहुत शानदार था लेकिन वही अक्टूबर पार से आते प्याज का दाम जो 600 रुपए क्विंटल से 3200 रुपए क्विंटल हो गया। इसी तरह से कपास देखें कि कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने जो पिछले साल 2021 के अंदर कॉटन की जो घोषणा की थी 3,61,00,000 गाठे, उसका भी उसके बावजूद भी कपास के भाव डबल से ज्यादा हो रहे हैं। इसके अलावा सोयाबीन पे भी आप देखिए, तो कुल मिला के सारी चीजें देखिए तो डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर अक्सर विपरीत सा देखा जाता है। हल्दी के अंदर भी यही हो रहा है कि पिछले 2-3 सप्ताह से हल्दी के दामों के अंदर कोई इजाफा नहीं हो रहा और जो पिछले साल की हल्दी है वो भी हम ग्राउंड रियलिटी ये है कि इन्होंने वो धीरे धीरे निपट चुकी है। लगभग 80 से 90% लोग पिछली हल्दी पूछा जो प्रीवियस स्टॉक है जो ओपनिंग स्टॉक इस साल का रहा वो भी तकरीबन समाप्ति की ओर है। उत्पादन कम है, रिक्वायरमेंट अच्छी है, पुराना स्टॉक समाप्त हो चुका है, उसके बावजूद भी हल्दी में तेजी नहीं बन रही है। तो मुझे लगता है कि हल्दी के अंदर एक समय ऐसा है कि इसमें थोड़ा सा धैर्य से काम किया जाए तो इसके अंदर पैसा बनाया जा सकता है, इसमें संभावना अच्छी है। हल्दी के ऊपर एक बहुत तेजी होने की संभावना है लेकिन उससे पहले एक बड़ी के मंदी के भी झटके लग सकते हैं, उसके लिए भी हम विशेष मसालों पर एक विशेष शो करेंगे मार्केट टाइम्स में। वो मेरा सभी दर्शकों से दरखास्त है, इल्तजा है, रिक्वेस्ट है कि वो भी जरूर देखें। तो महत्वपूर्ण यही रहेगा कि हल्दी के जो व्यापारी हैं, जो मसाले के व्यापारी हैं, उनको इसके ऊपर नजर रखनी चाहिए। साथ साथ आपने पूछा था जीरा और हल्दी, जीरा और धनिया। देखो जीरे और धनिए के अंदर बहुत तेजी से फ्लक्चुएशन हो रहा है। जीरे ने अपनी शानदार मूवमेंट दी, 6500 का धनिया 13000 से ऊपर बिका, जीरे का 12 से 13000 का जीरा 21000 से 22000 तक पहुंचा। तो ये सारी जो चीजें हैं उसके अंदर देखिए एक जब एक लेवल तक आ जाती है तो उसके बाद कुछ मुनाफा वसूली जरूरी होती है, वो भी वो है। तो जैसे कि कर्नल अजय जी बता रहे हैं कि हल्दी में थोड़ा धैर्य रखने की ज़रूरत है, जिस हिसाब से उन्होंने हल्दी के फंडामेंटल्स बताए हैं कि सोइंग हो गई और मौसम हो गया जो कि काफ़ी बड़ा अहम किरदार निभाता है किसी भी कृषि फसल में, मौसम हो गया, फिर आवकें हो गई, क्वालिटी हो गई, तो इन सब के मद्देनज़र कर्नल अजय जी के मुताबिक जो हल्दी है, हल्दी में आगे तेजी ही देखने को मिलेगी, हल्दी में जो फंडामेंटल्स हैं वो तेजी के वाले यानी मजबूती वाले ही बन रहे हैं और आगे हल्दी की जो कीमतें हैं उनमें अच्छी तेजी बनती नजर आ सकती है। अभी हाल फिलहाल में क्या हो रहा है कि आवकें ज्यादा हैं मंडियों के अंदर, फिर दूसरा ये जो ऊपरी स्तर देखने को मिले हैं हर एक मसालों में, जो अचानक से महंगाई का उछाल आया है खाद्य पदार्थों में, तो उसकी वजह से ऊपरी स्तरों पर जो लेवाल है हर किसी कमोडिटी का वो कम हुआ है। जी कर्नल अजय जी, अब हल्दी के अलावा बाकी मसालों में क्या रुझान है? देखिए बाकी मसाले जो हैं जैसे मैंने कहा कि जीरा हल्दी के अंदर, जीरा और धनिया के अंदर उतार चढ़ाव की संभावना इंट्राडे में बनती है लेकिन कुछ कुल मिला के फंडामेंटल मजबूत है, तो लेकिन जो खासकर जो इंट्राडे ट्रेडर है उनको सावधानी रखनी चाहिए। जी अगले जी यहीं से कहना चाहिए, अगर नॉन एग्री कमोडिटीज की तरफ रुख किया जाए तो सोने चांदी में क्या संभावना बनती है? सोने चांदी में देख रहे हैं कि उठापटक का दौर जारी है, डॉलर काफी तेजी की ओर है, वहीं रुपया एक के बाद एक लो लगाता नजर आ रहा है, तो अब ज्योतिष के अनुसार सोने चांदी का जो बाजार है वो कैसा रह सकता है?
देखिए आपने बिल्कुल सही कहा कि भारतीय रुपया, कल भी हमने आपसे यही चर्चा की थी कि भारतीय रुपया की जबरदस्त कमजोरी हो चुकी है अमेरिकी डॉलर के बरखिलाफ, और इंटरनेशनल मार्केट के अंदर भी डॉलर की तेजी यूरो के मुकाबले भी काफी अच्छी तेजी दर्ज हुई है, और इसका प्रमुख वजह भी कि इन्फ्लेशन रेट और इंटरेस्ट रेट के अंदर जो है इन्फ्लेशन बहुत तेजी से बढ़ चुकी है, इंटरेस्ट रेट के अंदर भी इजाफा किया गया है, तो इसका असर पड़ रहा है। लेकिन कहा जाता है कि कोई भी एक लेवल्स हैं उन लेवल्स के ऊपर एक बार बाउंस बैक आता है, क्योंकि कोई भी कमोडिटी है या कोई भी बाजार है, ना तो वो एक तरफा ऊपर चलता है हमेशा और ना एक तरफा नीचे गिरता है, फ्री फॉल होता है, लेकिन उसके अंदर कहीं ना कहीं सपोर्ट जरूर आता है। मुझे लगता है कि जहाँ पे सोना चांदी का बात है कि मुझे लगता है कि अब वो स्तर आ चुके हैं, उसमें अब ये निचले लेवल हो गए हैं कि इसके अंदर आप थोड़ा सा शॉर्ट तो ना करें, यदि खरीदारी नहीं करना चाहते हैं कोई बात नहीं है, लेकिन शॉर्ट करने से बचना चाहिए क्योंकि एनी टाइम बुलियन कैन बी बाउंस बैक। जी जी कनल जी, ये सर कनल जी, अगर स्टॉक मार्केट की तरफ रुख किया जाए तो स्टॉक मार्केट में आज क्या संभावना बन रही है एस्ट्रो फाइनेंस के मुताबिक? देखिए शेयर बाजार के अंदर जो गिरावट हो रही है उसका मेन मकसद, क्योंकि आरबीआई गवर्नर ने अपनी इंपॉर्टेंट मीटिंग का अचानक इम्प्रॉम्प्टू मीटिंग बुलाई और उसके अंदर 40 बेसिक पॉइंट की बढ़ोतरी करने की एक जो दिया, उससे पूरा बाजार सहम गया, क्योंकि जो इस तरह का इम्प्रॉम्प्टू मीटिंग्स होती हैं उसके अंदर जब होता है कि जब कोई महत्वपूर्ण डाटा आने वाले होते हैं और वो महत्वपूर्ण डाटा अलार्मिंग होते हैं तो उनसे बचने के लिए ऐसे कदम उठाए जाते हैं, अक्सर ऐसा होता है। आज मॉनेटरी पॉलिसी की भी समीक्षा है तो बाजार ये अनुमान लगा रहा है कि जो आरबीआई गवर्नर ने आके उससे पहले ये घोषणा की है, इसका मतलब ये है कि इन्फ्लेशन बेकाबू हो रही है और उसके तेजी से उसको काबू लगाने के लिए एहतियाती कदम तुरंत उठाना चाहिए और वो फौरी कदम उठाने की जरूरत महसूस हुई ऐसा हुआ, तो इसी वजह से बाजारों में एक तेज गिरावट दर्ज हुई। और क्योंकि हमेशा कहा जाता है शेयर बाजार के अंदर कोई भी घटना हो या कोई भी खबर है उसका सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव सबसे पहले तुरंत देखा जाता है, क्योंकि अब इंटरनेट का जमाना है, विदिन ए सेकेंड वो न्यूज और जो अनुमान है वो पूरे वर्ल्ड के अंदर एक बड़ी तेजी से फैलती है और इसका असर तुरंत देखने को मिलता है। पहले के जमाने में अगले दिन मिलता था लेकिन अब तुरंत मिलता है, तो मुझे लगता है कि जो इन्फ्लेशन के और के जो ये नंबर्स की उम्मीद लगा रहा है बाजार, उसका अब डिस्काउंट शायद हो गया है, क्योंकि बाजारों के अंदर लगातार गिरावट रही है। और एक लेकिन इसमें शुभ समाचार ये भी है कि पिछले लगभग 7 महीनों से विदेशी संस्थागत निवेशक लगातार अपना पैसा निकाल रहे हैं और ये करीबन 1,60,000 करोड़ से ऊपर ये लोग निकाल चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बाजार मजबूती से खड़ा हुआ है। इसका मतलब यही है क्योंकि इसमें एक प्रमुख वजह आईपीओज का भी है, लगभग 74-75 हजार करोड़ जो है वो आईपीओ के जरिए भारतीय निवेशकों ने, रिटेल इन्वेस्टरों ने भी काफी निवेश किया है और संस्थागत, घरेलू संस्थागत निवेशक और भारतीय रिटेल निवेशकों ने अच्छा इसको सपोर्ट किया है, और यही वजह है कि हम लगातार 7 महीने से विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा मुंह मोड़ने के बावजूद हम खड़े हुए हैं बाजार के अंदर। तो ये सब एक दर्शाता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था बिल्कुल मजबूत है, इसमें कोई हैरान और परेशान होने की शायद आवश्यकता अभी नहीं है, और इसके लिए इन सबको देखते हुए मुझे लगता है कि निचले स्तर के ऊपर बाउंस बैक होने की संभावना बनती है। इसमें क्वालिटी स्टॉक जरूर खरीदना चाहिए और उसके अंदर जो स्टॉक पहले महंगे थे लेकिन अब सस्ते दामों पे मिल रहे हैं तो उनको ले लेना चाहिए, और इसके अंदर कुछ स्टॉक्स मैं नजर करूंगा कि आप गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है सरकारी क्षेत्र की गैस की सबसे बड़ी कंपनी, इसके ऊपर आप नजर रखें, इसके अंदर संभावना अच्छी लग रही है, इसके अंदर तेजी आ सकती है, इसको नजर रखिए। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन भी हमने आपको पहले लगातार बताया है कि भारत सरकार की सबसे बड़ी पावर ट्रांसपोर्टेशन करने वाली कंपनी, इसके ऊपर भी नजर रखनी उचित रहेगी। ये दो स्टॉक्स पे आप नजर रखें, आने वाले 2 से 3 सेशन ट्रेडिंग सेशन के अंदर संभवतः इसके अंदर मजबूती की संभावना है, तो इनकार नहीं किया जा सकता। अभी निफ्टी के अंदर थोड़ी सी घबराहट जरूर हो सकती है लेकिन जो निवेशक है वो छोटे निवेशकों के लिए मैं बात कहूंगा, क्योंकि बड़े निवेशकों के पास अपने हेजिंग टूल्स होते हैं, अपनी समझ होती है, उनके पास अपने एडवाइजर्स होते हैं तो वो शायद बचते हैं, लेकिन छोटे निवेशक इसमें फंस जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि छोटे निवेशकों को निफ्टी बीच, NIFTY निफ्टी, BEES निफ्टी बीच, जो कि निफ्टी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है,
जो वो करीबन 160-165 रुपए के आसपास का एक यूनिट होता है, तो उसके अंदर वो निवेश कर सकते हैं, उसमें ध्यान रख सकते हैं क्योंकि उसमें रिस्क बिल्कुल कम है और वो उसकी डिलीवरी ले सकते हैं। और उसमें एक यूनिट चाहिए एक यूनिट लीजिए, 50 यूनिट चाहिए 50 यूनिट लीजिए, 1000 यूनिट चाहिए 1000 यूनिट लीजिए, क्योंकि एनएससी के ऊपर यदि निफ्टी में ट्रेड करना है तो उसके लिए पूरा लॉट लेना पड़ता है, तो पूरे लॉट की दाम अधिक पड़ जाते हैं और फ्लक्चुएशन के अंदर उसको नुकसान अधिक होता है। तो निफ्टी बीज अपनी मर्जी से आप ले सकते हैं, इसके ऊपर आप नजर रख सकते हैं, और सरकारी क्षेत्र की अच्छी कंपनियों पर आप नजर रखें तो संभवतः आने वाले 10-15 दिन के अंदर इसके अंदर निचले स्तर पे जैसे ही मार्केट बाउंस बैक करेगा उस वक्त इनके ऊपर मोमेंट आएगा। एक और महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहता हूँ, शेयर बाजार हो या फिर कमोडिटी बाजार या एग्रोजीन्स, इन सभी पर ये क्षमताओं के खेल है, ये स्ट्रेस के खेल है, ये मजबूती के खेल है। जो भी इसमें कमजोर हाथ है वो तुरंत निकल जाता है और जो मजबूत हाथ है वो उनको खींच ले जाता है। तो ये रस्ता कसी जो टंग ऑफ वार है उसके अंदर वही कामयाब होते हैं जो अपनी क्षमताओं से अनुरूप काम करते हैं, कंटीजेंसी प्लान करते हैं, इमरजेंसी फंड्स रखते हैं और सोच समझ के अपनी क्षमता के हिसाब से काम करते हैं, वो हमेशा जीतते हैं। ज्यादातर उनकी जीतने की संभावना अधिक रहती है। जो अपनी ताकत से कई गुना काम करते हैं, लोभ लालच में आ जाते हैं, जल्दी घबरा जाते हैं, ऐसे लोग निश्चित रूप से माने कि उनकी सफलता के चांसेस कम होते हैं, वो नुकसान अधिक उठाते हैं। यही मेरा कहना है आपके जरिए दर्शकों को कि क्षमताओं से ध्यान रखिए, रिस्क मैनेजमेंट अवश्य कीजिए और उसके हिसाब से ट्रेड करेंगे तो आपका निश्चित रूप से आपको सफलता के चांसेस अधिक मिलेंगे। जी अखिलेश जी। जी कन्हैया जी, जी तो आज कुछ ऐसा रह सकता है ज्योतिष के हिसाब से शेयर बाजार, कमोडिटी बाजार और आज आपका राशिफल। बहुत बहुत शुक्रिया कन्हैया जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। फिलहाल बाजारों के सितारे में अभी के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।